गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस करेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे के टॉपिक के ऊपर भी चलेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड वॉक्स 50 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। 50 मीटर किधर जा रहा है बेटा? नॉर्थ डायरेक्शन में। देन ही टर्न टुवार्ड्स ईस्ट, वॉक्स 40 मीटर एंड then reach his office after moving 20 meter towards south। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले जो है पर्सन जो है वो 50 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, फिर उसके बाद 40 मीटर में, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ये वाला हो गया, दोबारा से पढ़ा देते हैं एक बार। देखिए बेटा पहले जो चल रहा है वो कितना चल रहा है, 50 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है बेटा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मैंने d1 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा, इसको d1, d2 जो d2 वेक्टर चलेगा वो कितना चलेगा, पहले तो हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। देन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट, वॉक्स 40 मीटर। 40 मीटर जो चल रहा है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। Then reach to office after moving 20 meter towards south। तो D3 जो चल रहा है, D3 जो पार्ट में चल रहा है वो 20 मीटर चल रहा है, वो किधर चल रहा है बेटा, साउथ डायरेक्शन में चल रहा है। अब इस चीज को हमें समझना है बेटा, है ना। अब हमसे दो क्वेश्चन में पूछे गए हैं, दो पार्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट बोला गया है कि डिस्टेंस बताइए, मैं यहां पे डिस्टेंस निकाल देता हूं। डिस्टेंस में मैं डायरेक्टली जो भी डिस्टेंस चल रहा है वो पाथ लेंथ ट्रेवल कर रहा है उसको डायरेक्टली ऐड कर दूं। पहले वो 50 मीटर चल रहा है, फिर 40 मीटर चल रहा है, फिर उसके बाद 20 मीटर चल रहा है बेटा। जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना रहेगा बेटा, 110 मीटर का टोटल डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा बेटा। जो पर्सन है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितना, 110 मीटर। दूसरी हम बात करते हैं बेटा, बोल रहा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम बात करते हैं बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना चल रहा है देखते हैं। पहले बेटा वो d1 वेक्टर चल रहा है, ये रहा d1 वेक्टर, ये d1 वेक्टर, या मैंने लिख रखा है d2 वेक्टर 40 मीटर ईस्ट। देखिए पहले तो नॉर्थ ईस्ट साउथ इन सभी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ईस्ट ये वाली लाइन होती, ये वाली साइड होती है, ये वेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग टू डायमेंशन में, ये हमारा नॉर्थ होता है और ये हमारा साउथ होता है। नॉर्थ ये आई कैप जो होता है वो ईस्ट डायरेक्शन से रिप्रेजेंट होता है, माइनस आई कैप वेस्ट डायरेक्शन से रिप्रेजेंट होता है। नॉर्थ डायरेक्शन को मैं जे कैप लिख सकता हूँ और साउथ डायरेक्शन को माइनस जे कैप लिख सकता हूँ बेटा। अब इस चीज़ के अकॉर्डिंग मैं d1 वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, d1 वेक्टर, अब मेरे को नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट को मैं लिखूंगा d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर प्लस d3 वेक्टर, ये हो जाएगा बेटा हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट अब देखिए ये हमारा कितना है बेटा, 50 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। 50 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ मतलब कि जे कैप, जे कैप बेटा। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 50 जे कैप प्लस, फिर D2 की बात करते हैं तो D2 जो है वो 40 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट है, तो ईस्ट डायरेक्शन ये होगा, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा 40 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट आई कैप, ठीक है बेटा। अब देखिए थर्ड जो है हमारे पास 20 मीटर साउथ है, तो साउथ किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस जे कैप को, तो ये वाली वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं माइनस 20 जे कैप। आई होप समझ आया होगा। जब इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो मेरा पास आ जाएगा 40 आई कैप प्लस 50 और ये माइनस 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 जे कैप। तो हमारा डी नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, मॉड लगा देता हूं दोनों साइड मॉड लगाने का मतलब हो गया 40 का स्क्वायर, ये वेक्टर की फॉर्मेट में हम लोगों ने पढ़ा था, प्लस 30 का स्क्वायर जो कि आएगा आपके पास अनरूट में, इसको अनरूट में चलो, इसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू आ जाएगा आपके पास 50 मीटर।
ग्यारह मीटर डिस्प्लेसमेंट आपका 50 मीटर आ जाएगा। और अगर मैं तो इसको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताना है, डायरेक्शन बताना बेटा, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो कैसे बताएंगे? देखिए हमारे पास D1 वेक्टर जो डी नेट वेक्टर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, डी नेट वेक्टर आ रहा है 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप, ये चीज़ रिप्रेजेंट करनी है। तो अब 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप को अगर देखिए, यहाँ पे 40 आई कैप ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है और ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है। इस चीज़ को अगर मैं लिखना चाहता हूँ बेटा, तो मैं यहाँ से एक एरो वेक्टर बनाऊँगा। देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें पॉजिटिव है, तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो नेट डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट के, हाँ नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं यहाँ से रिप्रेजेंट करूँगा कुछ इस तरीके से बनेगा बेटा, जो कि हमारे आई कैप और जे कैप दोनों को पॉजिटिव बता रहा है। तो ये 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बेटा। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा, है ना बेटा। अब ये मैं 40 आई कैप को लिख सकता हूँ 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। इसको अगर मैं कंपोनेंट की फॉर्मेट में लिखूं बेटा, कंपोनेंट की फॉर्मेट में लिखूंगा तो कैसे लिखेंगे, 40 आई कैप, तो 40 आई कैप का कंपोनेंट ये बन जाएगा 40 आई कैप, और जे कैप को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो जे कैप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा 30 जे कैप। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पर्सन जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो डायरेक्शन में जाने के लिए आप लोग यहाँ पे थीटा एंगल भी बता सकते हो। ये थीटा एंगल, यहाँ पे अगर मैं ईस्ट से एंगल निकालना चाहूँ, देखिए मैं इस चीज़ को रब कर रहा हूँ, यहाँ पे ये सारी चीज़ों की जरूरत अब खत्म हो गई है क्योंकि मैं इन चीज़ों का यूज हो चुका है अपना, ठीक है बेटा। अब मेरे को ये थीटा एंगल निकालना है, तो थीटा एंगल मैं कैसे लिखूंगा, टेन थीटा। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये ट्रायंगल इस तरीके का बन रहा है, ये ट्रायंगल, ये 40, ये वाली साइड 40 हो जाएगी, ये वाली 40, और ये वाला जो साइड है 30 जे कैप, इसको मैं इधर पैरेलली सेट कर रहा हूँ 30 जे कैप इस तरीके से, और ये 40 आई कैप, तो ये हमारा एंगल थीटा हो जाएगा। अब टेन थीटा अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो टेन थीटा कैसे लिखूंगा देखते, तो टेन थीटा मैं लिखूंगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर जो है बेटा ये 30 जे कैप है डिवाइडेड बाय 40, 30 डिवाइडेड परपेंडिकुलर बेटा हमारे पास ये 30 है और बेस जो है 40 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा बेटा। तो थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री आ जाता है, 37 डिग्री क्यों हो जाएगा, टेन थीटा 3/4 कब होता है, 37 डिग्री पे। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो पर्सन का 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट आएगा, थीटा 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो जाएगा बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलिए कोई डाउट है इसके अंदर बेटा, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे भी डिस्कस कर दिया था, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं बेटा, ये क्वेश्चन हो गया 50 मीटर, यहीं तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, बट मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा और बता दी, थीटा एंगल बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इसका सॉल्यूशन मैंने बना रखा है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायामीटर 200 मीटर इज इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। देखिए यहाँ पे जो एथलीट है एक सर्कुलर पाथ पे मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसका जो डायामीटर है वो डायामीटर है बेटा, उसका जो डायामीटर है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक से बना देता हूँ, उसका डायामीटर है बेटा 200 मीटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ये देखिए यहाँ पे एक एथलीट जो है वो यहाँ से इस पोजीशन से मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट करता है और यहाँ से कंप्लीट एक सर्कल 40 सेकंड में कंप्लीट करता है बेटा, कितने सेकंड में कंप्लीट करता है देख लेते हैं, 40 सेकंड में कंप्लीट करता है।
तो 40 सेकंड में कंप्लीट करता है. व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड. देखिए तो वन रिवॉल्यूशन जो कंप्लीट करता है वो कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 40 सेकंड में. ठीक है, वन रिवॉल्यूशन में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वन रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो ट्रेवल करेगा 2πr. ये वाला जो डिस्टेंस है बेटा वो है, ये वाला डिस्टेंस है 200 मीटर. ये 200 मीटर. तो वन रिवॉल्यूशन जो होगा वो कितनों के बराबर हो जाएगा बेटा, 2π, और r की वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी 100 मीटर. तो ये हो जाएगा 200π. इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन वन रिवॉल्यूशन, इतना डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन में कंप्लीट करता है. और ये वन रिवॉल्यूशन कितना टाइम में कंप्लीट करता है बेटा, ये वन रिवॉल्यूशन जो कंप्लीट करता है बेटा वो कंप्लीट करता है 40 सेकंड. तो मैं बोल सकता हूँ 40 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करता है बेटा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 200π. 200π डिस्टेंस ट्रेवल करता है. तो 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा बेटा, 200 डिवाइडेड बाय 40, ये पाई हो जाएगा इसका. अच्छा, अब आप लोगों से बोला गया 2 मिनट 20 सेकंड. तो 2 मिनट 20 सेकंड को मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ बेटा, सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ. तो 2 मिनट का मतलब हो गया 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड. तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 140 सेकंड हो जाएगा. अब 140 सेकंड में देखते हैं, 140 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा देखते हैं. तो 200 पाई डिवाइडेड बाय 40 × 140 आ जाएगा. 10 से 10 कट गया, 2 से 2 × 4 और 2 × 7 = 14, ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 100π आ जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा 700π. ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा कि 700π मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पर्सन इन 2 मिनट 20 सेकंड. इन 2 मिनट 20 सेकंड जो पर्सन जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो ट्रेवल करेगा 700π मीटर, है ना बेटा. आई होप आप लोगों को क्लियर होगा. कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा. चले आगे चले बेटा, हो गया. कोई डाउट है इसके अंदर? चले आई होप समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, हाँ, इन्होंने 2200 के फॉर्मेट में आंसर निकाला है. ये जो निकाला है 2200, हमारा आंसर आ रहा था 700π आ रहा था. तो 700π कैसे लिखा, 700 × 3 या फिर ऐसे करते हैं ना, 22/7 कर लेते हैं, 22/7. तो 7 से ये कट जाएगा 100 पे, और जब आपका आंसर आएगा 2200 मीटर, तो हमने वही 700π पे ही छोड़ दिया था. ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको कितना निकालना है उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं. देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वो देख लेते हैं सिंपल. देखिए, ये आपका सर्कुलर पाथ था और ये हमारा 200 मीटर का जो डायमीटर था वो हो गया. अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सिंपल, देखिए हमें ये पता है कि भाई 40 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है बेटा, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है. तो 140 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा वो निकाल लेते हैं. 1/40 × 140 कट करेंगे 0, और यहाँ पर आ जाएगा 3.5 रिवॉल्यूशन. इसे जब कट करोगे तो 3.5 रिवॉल्यूशन. 3.5 रिवॉल्यूशन का मतलब है कि 3 रिवॉल्यूशन तो कंप्लीट करेगा और एक आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा.
मतलब कि अगर मैं बात करूं यहां से पर्सन एथलीट स्टार्ट कर रहा है तो ये कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, एक रिवॉल्यूशन, दो रिवॉल्यूशन, तीन रिवॉल्यूशन और फिर आधा रिवॉल्यूशन, तो यहां पे पहुंचेगा। पर्सन जो अपना मोशन स्टार्ट कर रहा था वो इस पोजीशन से स्टार्ट कर रहा था और फाइनली वो 3.5 रिवॉल्यूशन पहुंचने के बाद वो यहां पे पहुंच गया। तो अब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, ये डायमीटर जो है वही हो जाएगा, डिस्टेंस डायमीटर जो होगा वही होगा डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगा 200 मीटर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। कोई डाउट है क्या इसके अंदर बेटा, कोई डाउट है क्या इसके अंदर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। ओके, क्या चीज रिपीट करना बेटा इसमें? देखिए पर्सन ए से स्टार्ट कर रहा है, इसको 140 सेकंड के अंदर 3.5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना हुआ, ये हमने निकाला 40 सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन, 140 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन, 3.5 रिवॉल्यूशन। तो यहां से ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, यहां से हमारा दो रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ और यहां पे आने के बाद तीन रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, बट हमें 3.5 तो मतलब कि आधा रिवॉल्यूशन और कंप्लीट करना है, तो आधा रिवॉल्यूशन यहां से यहां पे आएगा बेटा, ठीक है, आधा रिवॉल्यूशन यहां पे। तो अब 3.5 रिवॉल्यूशन यहां पे फाइनली पोजीशन पार्टिकल की या फिर पर्सन की यहां पे आ जाएगी, फाइनल पोजीशन यहां पे होगी, इनिशियल पोजीशन यहां थी, फाइनल पोजीशन यहां होगी। तो अब देखिए एक हमें एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ, इस तरीके से एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा और वो वेक्टर की जो लेंथ होगी डेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा डी डायमीटर के बराबर हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 200 मीटर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा बेटा, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है ए व्हील विद अ डायमीटर 2 मीटर इज रोलिंग, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट इनिशियली टचिंग द सरफेस ऑफ हाफ टर्न, हाफ टर्न। मतलब कि क्या कह रहा है, देखिए ये जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ये एक हमारा रिम व्हील है, एक ये सबसे लोएस्ट पोजिशन है, लोएस्ट पॉइंट है पार्टिकल, यहाँ पे मैंने इसको सर्कल कर दिया, यहाँ पे एक ए पॉइंट या ये पी पॉइंट मैंने मान लिया, ये पी पॉइंट मैंने मान लिया बेटा। जब ये रोल करेगी ना इस तरीके से, एक रोटेट करके जाएगी, तो ये धीरे धीरे ये वाला जो पॉइंट है, ये जो व्हील है ये वाला, घूमता हुआ इस तरीके से, घूमता हुआ इस तरीके से, घूमता हुआ यहाँ पे पहुंचेगा, मतलब कि आधा रिवॉल्यूशन करने के बाद ये यहाँ पे पहुंच गया। जब ये जो व्हील थी, ये जो व्हील थी ये वाली, आधा रोटेशन कंप्लीट करने के बाद वो यहाँ पे पहुंच गया इस तरीके से। तो अब इस चीज के लिए हमें डिस्कस करना बेटा, तब यहां देखिए समझिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मैं। देखिए हमारे पास एक व्हील है इस तरीके से, ठीक है बेटा, और ये व्हील इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रही है, ठीक है, और थोड़ी देर बाद जब ये आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है तो ये वाला जो व्हील है वो कुछ इस पॉइंट पे पहुंच जाता, मतलब कि ये जो व्हील का सबसे लोएस्ट पॉइंट मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया, ये मैंने ये व्हील का मैंने सबसे लोएस्ट पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज द पी पॉइंट। और जब ये कंप्लीट मतलब कि आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, तो आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद ये कुछ ये बन जाएगा, इसको मैं उसे ब्लू पेन से बनाता हूँ, हाँ, ये आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद ये कुछ यहाँ पे पहुंच जाएगा, और जो हमारा पी पॉइंट है वो पी पॉइंट कहाँ पहुंचेगा बेटा, वो पी पॉइंट कहीं यहां पहुंच जाएगा आधा रिवॉल्यूशन के बाद। अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता होता तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के बाद ये वाला, अगर मैंने ये व्हील बनाया है यहां पे, ये व्हील मैं यहां पे बना देता हूं, कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के बाद हमारा जो व्हील है वो कुछ इस तरीके से बनता, ठीक है, और जो हमारा पी पॉइंट है वो पी पॉइंट यहां पे बनेगा बेटा, ये पी पॉइंट यहां पे बनेगा। अब बोला गया कि हाफ रिवॉल्यूशन में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, जो ये लोएस्ट पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले इनिशियल पोजीशन ये थी पॉइंट की और फाइनल पोजीशन ये हुई, तो यहां से अगर मैं यहां तक की एक लाइन ड्रॉ कर दूं ये वाली लाइन, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाफ रिवॉल्यूशन में। तो अब हाफ रिवॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करा है, अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा होता, 2πr, हाफ रिवॉल्यूशन है, देखिए एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होता,
टू पाई आर। हाफ रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, टू पाई आर इंटू वन बाई टू, टू से टू कट जाएगा, पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करा जाएगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये पाई आर होगा, यहाँ से यहाँ तक का। अच्छा ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा बेटा टू आर, ये वाला डिस्टेंस टू आर। अब यहाँ पे देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम लोग कैसे निकालें, बायपाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता होना चाहिए, बायपाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता होना चाहिए, बायपाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस पी पी डैश की वैल्यू कितनी होगी, पी पी डैश दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट डेट इज इक्वल टू पाई आर का होल स्क्वायर प्लस टू आर का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बेटा, वेक्टर नहीं कह रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैं इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर और इंटू आर स्क्वायर प्लस फोर आर स्क्वायर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा पाई स्क्वायर प्लस फोर, कॉमन ले लिया और आर स्क्वायर बाहर चला जाएगा। अब आर स्क्वायर को मैं कॉमन, आर स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ तो आर आ जाएगा बेटा और अंदर आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस फोर, ये आ जाएगा बेटा आपका आंसर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इन हाफ रिवॉल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी पॉइंट इन हाफ रिवॉल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी पॉइंट इन हाफ रिवॉल्यूशन, ये आएगा बेटा आपका आंसर। इसके अलावा आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा, ये आप यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ निकाल लोगे यही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। इन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना आएगा, पी और पी डैश के जो ये पी डबल डैश की वैल्यू मैं लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे पी डबल डैश लिख दूँ तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा ना, ये वाला कंप्लीट रिवॉल्यूशन में टू पाई आर हो जाएगा बेटा। आई होप आप लोगों को समझ आया, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट इन कंप्लीट रिवॉल्यूशन पी पी डैश पी पी डबल डैश इज टू पाई आर, हाफ रिवॉल्यूशन में पी पी डैश डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आप लोगों को समझा दूंगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, रब करूं बेटा। हाँ बेटा नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर निकालना चाहो तो ये पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 पुट कर दो, आर की वैल्यू गिवन दे रखी है क्या, आर की वैल्यू 2 मीटर दे रखी है, ओके तो फिर आर की वैल्यू पुट कर दीजिए यार, आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, हाँ आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी देगी बेटा, 10 अप्रॉक्स 10 प्लस 4, और इसकी वैल्यू हो जाती है अंडर रूट 14 आ जाएगा, अंडर रूट 14 के आसपास। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा, पाई स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट 10 के बराबर होती है बेटा, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 के बराबर होती है, 3.14 होता ना, 3.14 इंटू 3.14 दैट इज अप्रॉक्स 10, आर की वैल्यू 1। हाँ बोलो, हाँ 22/7 से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, हो जाएगा उससे भी आ जाएगा। तो ये आपका आंसर, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैंने लिख रखा है ना, प्रिंटेड फॉर्मेट में लिख रखा है। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन गोज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस अप टू 0.220, ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जाता है बेटा, 20.0 तक जा रहा है, देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20.0, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे मैंने ये मैंने एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि एक्स एक्सिस ही दे रखा है तो इस वजह से एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये एक्स, ये माइनस एक्स, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बेटा वाई एक्सिस, ठीक है।
पर्सन जो है, पार्टिकल जो है, स्टार्ट कहाँ से कर रहा है बेटा? वो स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, जीरो कॉमा जीरो से स्टार्ट कर रहा है। पर्सन या पार्टिकल जो है पहले यहाँ से इधर जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है बेटा? 20.0 तक जा रहा है, फिर 20.0 से फिर नेगेटिव यहाँ तक जा रहा है, -20.0 यहाँ तक जा रहा है। तो अब इस केस में क्या होगा बेटा, ये आपका 20 मीटर, तो ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये 20 मीटर, और ये फिर से 20 मीटर, और ये फिर से 20 मीटर। ये आई होप आप लोगों को समझ आया हो, अगर नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो बेटा। आया बेटा समझ में? देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक जाने 20 मीटर हुआ, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आना 20 मीटर हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक जाना 20 मीटर हुआ। तो अगर टोटल डिस्टेंस आप लोगों से पूछा गया होता, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस, तो आपका आंसर आएगा बेटा 20 + 20 + 20 दैट इज इक्वल टू 60 मीटर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, नहीं डिस्टेंस होगा सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टेंस होगा, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के, हाँ बोलिए। नहीं नहीं नहीं, पहले वो पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, पहले वो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस इस डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। आप इस तरीके से समझिए, आप इस तरीके से समझिए, आप लोगों ने ज़्यादा ट्रैवलिंग करी भी नहीं होगी। आपको मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे आपका घर है, मार्केट इस साइड है, और यहाँ पे स्कूल है। आप पहले स्कूल गए, फिर स्कूल से घर आए, फिर मार्केट गए, ठीक है बेटा? तो 20 मीटर तो आप स्कूल गए, फिर 20 मीटर वापस स्कूल से घर आने में, तो 20 20 40 मीटर, और फिर ये 20 मीटर और किस में गए? मार्केट जाने के लिए। तो टोटल 60 मीटर हो जाएगा ना बेटा, है ना? अब इसको इस तरीके से समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए समझते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट के लिए समझते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे लिखेंगे, फाइनल पोजीशन आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। आर फाइनल कितना है बेटा? -20 i कैप। ये चीज समझ आई, -20 i कैप क्यों लिखा? देखिए ये फाइनल पोजीशन तो यहां पे है ना बेटा, फाइनल पोजीशन तो यहां पे, तो -20 i कैप, और इनिशियल पोजीशन कहां पे? 0 0। तो इनिशियल पोजीशन मैंने लिखा 0 i कैप, इस तरीके से लिख दूं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास आएगा -20 i कैप, मतलब कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा -20 i कैप हो जाएगा। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हमारा आ जाएगा 20 मीटर। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। कोई डाउट है क्या इसके अंदर? कोई डाउट है क्या इसके अंदर? बोलिए। कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रखा है, देखिए क्या कह रहा है। ए कार मूव्स ओ टू डी अलोंग पाथ ओ ए बी सी डी एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल एंड इन द नेट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। देखिए जो यहाँ पे ओ से पहले ए तक गया, फिर ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, और फिर डी तक गया। तो डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए डायरेक्टली आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा। डिस्टेंस निकालने के लिए डायरेक्टली आप लोग ऐड कर सकते हो,
पहले कितना ट्रैवल करा? 8 मीटर. फिर ट्रैवल कर रहा है 4 मीटर. फिर कितना ट्रैवल कर रहा है? 4 मीटर. तो फिर मैं 4 लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस फिर कितना लिख रहा है बेटा? 1 किलोमीटर. तो टोटल अगर इस तरीके से करूँ ये 17 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर रहा है. अब बात आती है कि डिस्टेंस कैसे निकालें, डिस्टेंस कैसे निकालें. तो डिस्टेंस के लिए देखिए, समझिएगा, डिस्टेंस के लिए समझिएगा. देखिए नहीं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए देखिए समझिएगा, मैं यहाँ पे d1 वेक्टर लिख रहा हूँ. तो d1 वेक्टर अगर मैं इसको ओरिजिन मानूँ, इसको मैं ओरिजिन मानूँ, तो पहले वो O से A तक गया, कितना गया? 8 किलोमीटर आई कैप. तो 8 आई कैप आ जाएगा. फिर A से B तक D2 वेक्टर के लिए गया 4 J कैप. देखिए 4 J कैप, ये J कैप क्यों लिख रहा हूँ समझ में आया क्या आपको? बेटा J कैप क्यों लिख रहा हूँ ये चीज समझ में आया? माइनस का J कैप लिख रहा हूँ, ये माइनस का J कैप समझ में आया क्यों लिखा? क्योंकि बेटा देखिए ये साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस J कैप डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि साउथ डायरेक्शन में जा रहा है. अब देखिए इसके बाद वो B से C की तरफ जा रहा है. B से C की तरफ मतलब कि वो इसका एरो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, मतलब कि नेगेटिव आई एक्सिस के लिए मैंने D3 लिख देता हूँ यहाँ पे बेटा. D3 लिख देता हूँ माइनस फोर आई कैप. D4 इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा बेटा? अब ऊपर की ओर हो रहा है, ऊपर की ओर नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नॉर्थ डायरेक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 J कैप लिख सकता हूँ. अब मेरे को डी नेट निकालना है बेटा. तो डी नेट कैसे लिखूंगा बेटा? डी नेट लिखूंगा D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर प्लस D3 वेक्टर प्लस D4 वेक्टर प्लस D5 वेक्टर. नहीं, D4 तक सफिशिएंट है क्योंकि 4 ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. इसको अगर मैं फर्दर लिखूं बेटा तो D1 वेक्टर हो जाएगा 8 I कैप -4 J कैप -4 I कैप +1 J कैप. जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 8 और 1 9 I कैप 4 J कैप. अच्छा ये भी ये आई कैप है, जे कैप है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है. हाँ ये हमारे पास आई कैप है. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 8 I कैप और 4 I कैप ये हमारा हो जाएगा 4 I कैप हो जाएगा प्लस का इसको, और इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो माइनस का 3 J कैप बचेगा. जब मैं इसको सॉल्व करूंगा इसका मैग्नीट्यूड डी नेट मिल गया हमारे पास. इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं बेटा तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा? देखिए डी नेट मेरे पास आ गया बेटा. डी नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करूं डेट इज इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ पे आपने 4 I कैप माइनस 3 J कैप लिखा. तो 4 I कैप माइनस 3 J कैप को क्या लिख सकते हो? इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा बेटा, आपके पास आंसर आ जाएगा 5 मीटर. आई होप समझ में आया होगा. और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्मेट में ये हो गया. सुन रहा है बेटा आप लोगों को? कोई डाउट है क्या इसके अंदर? बताइए कोई डाउट है क्या? चलिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को समझ में आया. मेरे एक बात और बताइए कि मीटिंग कितनी देर में एंड होने वाली है? 2 मिनट रह रहे हैं. चलिए देखिए समझिएगा, कोई बात नहीं. ए मैन मूव्स 4 मीटर अलोंग ईस्ट. तो हमारा जो D1 वेक्टर हो जाएगा बेटा 4 मीटर अलोंग ईस्ट. मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा?
आई कैप, फिर लिखा हुआ है 3 मीटर अलोंग नॉर्थ, मतलब कि डी टू वैक्टर में क्या लिख सकता हूँ बेटा 3J कैप नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट बोला गया आफ्टर ही क्लाइम्स अप ए पोल ऑफ 12 मीटर हाइट, तो D3 जो होगा बेटा किसी पोल पर चढ़ जा रहा है, मतलब कि आउटसाइड ऑफ द प्लेन, मतलब कि ये बोलूंगा 12K कैप। अब आपका डी नेट निकालना है बेटा, तो डी नेट अगर मैं निकालूँ यहाँ पे सबका एडिशन करूँगा तो 4I कैप प्लस 3J कैप प्लस 12K कैप, इन सब का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, इन सब का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 144, इसको जब सॉल्व करोगे 144 इसको तो 169 का अंडरूट आएगा और डेट इज इक्वल टू 13 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया ये डिस्प्ले।